नमस्कार पेरेंट्स पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे रिग्रेशन के बारे में। ऑटिज्म में रिग्रेशन होता है, रिग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑटिज्म। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? पहली चीज, जब बच्चा छोटा है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तो नॉर्मल माइलस्टोन्स अचीव हो रहे हैं, चीजें उम्र के हिसाब से जैसे करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स, कॉग्निशन, सब ठीक से ग्रो हो रहा है। फिर सडनली एक फेज आता है और आप देखते हो कि जो जो चीजें बच्चा कर रहा था वो नहीं कर रहा। बच्चा पहले आई कांटेक्ट दे रहा था, अब नहीं दे रहा। आप बाय बोलते थे तो वो बाय करके वेव करता था, अब नहीं कर रहा। तो जो स्किल्स बच्चे ने सीखी थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। बच्चा नॉर्मली प्रोग्रेस करना चाहिए उम्र के साथ, तो प्रोग्रेस नहीं हो रहा, प्लेटो भी नहीं हो रहा, बच्चा पीछे आ रहा है। जो स्किल्स उस बच्चे ने सीख ली थी वो भी वो भूल रहा है, राइट? सो ये एक कॉमन सिम्टम हम देखते हैं रिग्रेशन का, जब अर्ली डायग्नोसिस में ये बहुत मेजर कंप्लेन होती है। दिस इज वन टाइप ऑफ रिग्रेशन। अब बच्चे का डायग्नोसिस हो गया, आप देखते हैं कि बच्चा, आपने थेरेपी शुरू की, आप काम कर रहे हैं, थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। सडनली बच्चा बीमार हो गया, माँ बीमार हो गई, जिस कारण से थेरेपी में या जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसमें ब्रेक हो गया, बच्चे को एंटीबायोटिक्स दिए बिकॉज वो बीमार था, बच्चे का रूटीन चेंज हो गया, घर में गेस्ट्स आ गए, बच्चा किसी कारण से डिस्टर्ब हो गया। फॉर सम रीजन, यूजुअली जब बच्चे का रूटीन डिस्टर्ब होता है या उस पे जो काम कर रहे हैं उसमें ब्रेक हो जाता है, तब भी हम देखते हैं कि रिग्रेशन दिखता है। बच्चा जो चीजें 10 दिन पहले कर रहा था वो छोड़ देता है, या जो स्टिमिंग बिहेवियर बच्चे का जा चुका था या बहुत कम हो गया था वो सडनली आ जाता है। तो पहले बच्चा बहुत जंप करता था, फिर सेटल हो गया, दवाइयां चली, बीमार हुआ, दवाइयां खाई, या कहीं बाहर गया था, वह बहुत मीठा खा लिया या जंक खा लिया, वापस वो स्टिम शुरू हो गया, या वो स्टिम नहीं, पुराना वाला स्टिम नहीं, कोई नया स्टिमिंग बिहेवियर शुरू हो गया। पहले बहुत जंप करता था, अब गोल गोल घूम रहा है। सो ये भी एक टाइप का रिग्रेशन होता है। और एक होता है कि हम बहुत अटेम्प्ट कर रहे हैं, से आई टेल माई पेरेंट्स कि बच्चों को इमिटेशन सिखाओ। अब माँ बोल रही है कि मैम, मैं 6 महीने से इसको इमिटेशन सिखाने की कोशिश कर रही हूं लेकिन ये नहीं सीख रहा, या मैं इसकी वोकैबुलरी, मैं इसको ये चीजें रोज घर की बताती हूं लेकिन ये नहीं सीख रहा, मैं 6 महीने से सिखा रही हूं लेकिन नहीं हो रहा। ये भी प्रोग्रेस में एक बाधा ही है ना? तो ये भी बच्चे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आप अटेम्प्ट इतना कर रहे हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन प्रपोर्शनेट रिजल्ट नहीं आ रहा। सो ये भी एक टाइप का रिग्रेशन ही है कि इतना एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन फिर भी बच्चा बहुत धीरे या नहीं ग्रो कर रहा, राइट? सो रिग्रेशन इज नोन इन ऑटिज्म। कभी कभी बिना किसी मेजर ट्रिगर के हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते कि क्या हुआ। सब अच्छा चल रहा था, बच्चा सीख रहा है, बच्चा शांत है, काम कर रहे हैं बच्चे पे, सब बच्चे की हेल्थ अच्छी है, बच्चे का डाइट अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, घर में एफर्ट डाल रहे हैं, हम एफर्ट डाल रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, बट स्टिल फॉर सम रीजन विच इज नॉट नोन, सम ट्रिगर विच इज नॉट नोन, सडनली बच्चे की स्टिमिंग आ गई। बच्चा अच्छा भला शांत चल रहा था, बच्चे का टेम्पर आ गया, बच्चा सिटिंग टॉलरेंस कम आ गई। क्यों? कांट आइडेंटिफाई। कभी कभी वेदर हो सकता है कि हाँ बहुत गर्मी है तो बच्चा ऐसा हो गया, बट बहुत कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। सो
क्या करे इस सिचुएशन में, क्या करे जहां बच्चा लर्न्ड स्किल्स भूल रहा है, बच्चा पीछे जा रहा है, या बच्चा किसी भी कारण से हम इतना एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे, है ना? अब क्या करें? जब वो फेज ऑफ रिग्रेशन आप आइडेंटिफाई अगर कर रहे हैं, पहली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बच्चे का डाइट एक बार चेक कर लीजिए कि क्या मेरा बच्चा बहुत मीठा खा रहा है, क्या वो बिस्किट्स ज्यादा खा रहा है, क्या मीठे फ्रूट्स ज्यादा खा रहा है, जैसे आम, चीकू, अंगूर, केले, राइप केले, पके हुए केले, शुगर बहुत होता है। सो क्या इस कारण से मेरे बच्चे में ये चेंजेस दिख रहे हैं? दूध की मात्रा ज्यादा दे रहे हैं, क्या वो उसको पाचन में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए वो चिड़चिड़ कर रहा है, इसलिए उसका सिटिंग या उसके स्टिम्स बढ़ गए हैं। सो चेक द डाइट, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका बच्चा कोई स्कूल, कोई प्ले ग्रुप, कोई बेबी सिटिंग में जा रहा है, जस्ट चेक कि क्या वहां वो एंगेज हो रहा है या उससे एंगेज करवाया जा रहा है, या वो इंस्टीट्यूशन टाइम उसका स्टिम टाइम है। ऐसा होता है कि अच्छा भला सब चल रहा है, बच्चे को स्कूल में डाला, बच्चा 2 घंटा स्कूल जाता है, 15-20 दिन के बाद भी नोटिस कि हाँ बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस अब कम हो गया है, बच्चे का स्टिम ज्यादा बढ़ गया है, बच्चा इरिटेबल है, क्योंकि कुछ तो ट्रिगर हो रहा है ना। सो बच्चा ज्यादा देर तक अनअटेंडेड नहीं रह सकता हमारा, हम पूरा टाइम एंगेज नहीं कर सकते, मान गई मैं, लेकिन एक लंबे ड्यूरेशन 2-3 घंटा बच्चा अगर स्टिम कर रहा है, वी नीड टू चेक इट। सो नेक्स्ट ये जरूर चेक कीजिए कि क्या आपके बच्चे का जो घर के बाहर का टाइम है, कहीं वो स्टिम टाइम तो नहीं बन गया है। दिस इज द सेकेंड थिंग। नंबर 3, बहुत बार मेडिकेशंस, पर्टिकुलरली एंटीबायोटिक्स एंड एंटी हिस्टामिनिक्स, जो हम सर्दी खांसी के लिए दवाइयाँ देते हैं, जो हम बुखार में, बुखार कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीथिंग, बट ये भी एक कारण होता है रिग्रेशन का, तो ये भी हो सकता है। इसके लिए हम क्या करें? बच्चा बीमार है, बच्चे को बुखार है, तो एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। हम प्रिवेंटिव कर सकते हैं, हम इम्यूनिटी पे बच्चे की काम करें, बच्चे को कवर्ड रखें, बच्चे को लेयर्स में कपड़े पहनाएं, बच्चे का गला, बच्चे के रिस्ट, बच्चे के एंकल्स कवर्ड रखें। अभी ट्रांजिशन वेदर है, बारिशें हो रही हैं, फिर गर्मी हो जाती है, फिर वापस ठंडा हो जाता है, बहुत बीमार पड़ते हैं बच्चे। सो इस चीज पे काम कर लें। अगर बच्चा खाता है तो इम्यूनिटी बिल्डअप करे, नहीं खाता तो क्लोथिंग्स पे काम करे, राइट? सो दिस इज नंबर 3, कि कोशिश कीजिए बच्चे को हेल्दी रखने की। नंबर 4, अगर आपका बच्चा फेज ऑफ रिग्रेशन में है, उसका सेंसरी फीड बढ़ा दीजिए। बाकी चीजें थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा चलेगा, बट जो सेंसरी वर्कअप आप करते हो, उसको मसाज देते हो, ब्रशिंग करते हो, डीप कंप्रेशन देते हो, एक्सरसाइज करवाते हो, ग्रॉस मोटर एक्सरसाइजेस करवाते हो, बच्चे की जो भी स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं, विजुअली करता है, वर्बली करता है, मोटर है, जो भी है, उस पे काम करना ज्यादा कर दो। अगर आप दिन का 20-25 मिनट करते हो, तो दिन में 2 बार 20-25 मिनट कर, तो सेंसरी फीड बच्चे को, वो कॉम्पेंसेशन उस बच्चे को दे दो, तो आप देखोगे कि ठीक है, रिग्रेशन हो भी रहा है ना, तो वो रुक जाएगा। इट विल बी इजियर आपके लिए, आप हफ्ता भर करोगे, आप देखोगे कि हाँ स्टेबल हो रहा है, बच्चा वापस अपराइज पे जा रहा है, वापस ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, समझ रहे हैं? सो बच्चे का सेंसरी वर्कअप बढ़ा दो, थोड़ा स्पीच रिलेटेड थोड़ा कम हो गया, एकेडमिक्स थोड़ा कम हो गया, स्कूल में थोड़ा कम टाइम हो गया, सेंसरी वर्कअप बढ़ा दो। और कोशिश करो जितना पॉसिबल है, माँ वर्किंग है, मल्टीपल चीजें होती हैं, घर में काम है, जितना हो सके उस ड्यूरेशन के लिए बच्चे को एंगेज करने की कोशिश करो। मैं नहीं कह रही उसके साथ बैठे रहो, बट उसे घर के कामों में एंगेज कर लो। आप सफाई कर रहे हो, उसको भी थोड़ी करवा दो, आप बर्तन धो रहे हो, उससे भी धुलवा दो, आप सब्जी लेने मार्केट जा रहे हो, उसको भी ले जाओ, आप
कपड़ा धो रहे हो उसको भी बाजू में बैठा लो, चलो वाटर प्ले ही कर लो। घर के कामों में ना बहुत सेंसरी फीड होता है, बहुत। कचरा उठा रहे हैं टैक्टाइल, कपड़ा खींच रहे हैं दीवा रोप से, अपने आपने कपड़ा सुखाया उसको निकाल रहे हैं फाइन मोटर विजुअल, सफाई कर रहे हैं अगेन विजुअल विद टैक्टाइल, कुछ पानी रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं। सो कितना सेंसरी इनपुट हम बच्चे को घर में ही दे सकते हैं वो दे दो, राइट। अब आप थोड़ा सा ज्यादा बच्चे के साथ सेंसरी वर्कअप बढ़ा लो टू स्टॉप दैट स्टिमिंग, राइट। और जो भी उसके कंफर्टर्स हैं, उसको कोई टेडी बेयर अच्छा लगता है, पॉपिट अच्छा लगता है, कोई ब्रश अच्छा लगता है। मेरे इतने बच्चे आए सी देम, जब आई कैन सी कि वो बच्चा चिढ़ रहा है ना, मैं वो मसाजर ला के रख देती हूँ, वो बच्चा खुद ही उठा के खुद को कंफर्ट करने लग देता है। सो काम करते रहो, हम समझ जाते हैं कि क्या बच्चे को आराम देता है। इतने बच्चे आते हैं फिर भी आई कैन आइडेंटिफाई कि इस मेरे इस बच्चे का ये वे ऑफ वेंटिंग है, मेरे इस बच्चे को ये चीज आराम देगी, मेरे इस बच्चे के लिए ये चीज काम करेगी। वो काम करो तो आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो माँ को भी पता है कि क्या काम करेगा। ये चिढ़ता है तो मैं अगर इसे थोड़ा आटा दे दूँ तो उसमें खेल के शांत हो जाता है। उसको पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो मैं वो दे देती हूँ। बड़ी लड़की है, उसको मेकअप अच्छा लगता है तो मैं उसको उसमें इंगेज करती हूँ, चलो डॉल को करेंगे। सो एक माँ कैन आइडेंटिफाई कि मैं कहाँ अपने बच्चे को वो वेंट दे सकती हूँ, मैं कैसे उसे आराम दे सकती हूँ। सो दिस इज वॉट यू नीड टू डू, ओके। एंड आई एम ऑफ दिस फर्म बिलीफ कि आपका बच्चा कितना भी स्टेबल हो जाए, बिल्कुल न्यूरोटिपिकल नॉर्मल स्कूल, वेरी गुड एकेडमिकली, सब अच्छा है, लेकिन फिर भी जब तक आपका बच्चा एडोलेसेंस गेन करता है, एडोलेसेंस मतलब 12 जवानी जो कहते हैं ना, 12-13 साल 14 साल की उम्र जो होती है, उसमें बहुत शारीरिक चेंजेस होते हैं, हॉर्मोनल चेंजेस होते हैं, मानसिक चेंजेस होते हैं, उस स्टेज तक आप अपने बच्चे को एक बेसिक सेंसरी वर्कअप दीजिए। बच्चा बिल्कुल स्टेबल है, एक भी स्टिमिंग नहीं है, फिर भी कोशिश कीजिए कि हफ्ते के 3 से 4 दिन ऑल्टरनेट डे, एक दिन छोड़ के 20 से 25 मिनट का सेंसरी वर्कअप मैं अपने बच्चे को दूंगी। सेंसरी वर्कअप से मेरा मतलब है एक्सरसाइजेस, जॉइंट कंप्रेशन, ब्रशिंग, मसाज। बच्चा बड़ा है, हम ऑफकोर्स पूरे बॉडी का मसाज नहीं कर सकते, पार्ट बाय पार्ट करेंगे। मंडे को सर का करेंगे, ट्यूसडे को हाथों का करेंगे, वेडनेसडे को पीठ का करेंगे, थर्सडे को पैर का करेंगे, बट करेंगे। थोड़ा सेंसरी इनपुट हम अपने बच्चे को देंगे ताकि जब कोई भी फ्लक्चुएशन आए, रूटीन्स चेंज हो, बीमारी आए, माँ अवेलेबल नहीं है, कोई भी दिनचर्या में किसी भी कारणवश फ्लक्चुएशंस आए तो बच्चा रिग्रेस ना करे। क्योंकि जब रिग्रेशन होता है ना, जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है वो होते हैं स्टिमिंग बिहेवियर्स, वो ही सबसे पहले रिग्रेस करते हैं, जिसपे हमने बहुत काम करके जिसको सेटल किया वापस आ जाता है। तो अगर आप ये सेंसरी इनपुट देंगे, रिग्रेशन के फ्रीक्वेंसीज कम होंगी, और अगर रिग्रेशन हो भी रहा है ना, उससे वापस बच्चे को खींचना आपके लिए आसान होगा। सो दिस इज रिग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑटिज्म, इट इज देयर, उसको हम झुटला नहीं सकते, बट हम उसको कम करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है एक ऑटिज्म के बच्चे को एक स्किल सिखाना, साल साल लग जाता है एक स्किल पे काम करने में। आपको मेरे से ज्यादा पता है, एज अ मदर यू नो बेटर देन मी। और जब वो पीछे जाता है इट इज वेरी पेनफुल, हम एज अ ट्रेनर हमें तकलीफ हो जाती है कि यार क्या हो गया ये, कैसे, क्यों। सो डू दिस पेरेंट्स, प्लीज डू दिस। उनके सेंसरी इनपुट्स पे मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं कि मैं लिंक्स भी शेयर करूंगी, इम्यूनिटी कैसे बच्चे की बढ़ानी है उस पे भी लिंक्स बनाए हैं। बच्चा नहीं खा रहा फिर क्या करें, बच्चा नहीं कोऑपरेट कर रहा फिर कैसे करें, सब पे
वीडियोस हैं, प्लीज देखिए और उसे इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि जो इतनी मेहनत आप कर रहे हैं वो जल्दी रंग लाए। रंग तो लाएगी, बट उसका प्रोग्रेस ज्यादातर अपहिल ही रहे, प्लाटो कम करे और डाउनहिल भी कम आए, राइट? सो प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक इट, सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड लेट द शक्ति स्प्रेड। विजयी भव, तथा अस्तु, नमस्कार।